أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال عز وجل في مقام آخر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال متفق علیہ. حمد و ثنا کے بعد میں نے قرآن مجید کی دو آیتیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. آج کے اس درس کا جو موضوع ہے وہ ہے عذاب قبر اور نعیم قبر کا بیان قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں. انشاءاللہ اس درس میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ قبر سے متعلق جو باتیں قرآن میں اور حدیث میں آئی ہیں, فتنہ قبر سے مراد کیا ہے, قبر میں کس قسم کی آزمائش ہوگی اور کیا یہ آزمائش ہر ایک کے لیے ہوگی یا کسی خاص قوم یا جماعت کے لیے ہوگی, قبر میں کیا صرف عذاب ہوگا یا اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ملیں گی, چین و سکون اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی, اور عذاب قبر کے سلسلے میں
लोगों के ज़हनो दिमाग में जो शकूक व शुबहात हैं उससे मुतालिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो बातें हम सुने उसको समझने की तौफीक नाज फरमाए और जो बातें अमल की मुतखादी हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक दे और कमा हक़ हो जो बातें हम सुने अमल करें अल्लाह के दीगर बंदों तक वो बातें पहुँचाने की भी सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ख़ब्र की ज़िंदगी जिसको आलम बरज़ख़ कहा जाता है, आलम बरज़ख़ अगर शरीयत की निगाह में अगर हम देखें कि आलम बरज़ख़ क्या चीज़, ख़ब्र की ज़िंदगी, तो शरीयत की ज़बान में आलम बरज़ख़ वो आलम अरवाह है जहाँ मरने वालों की रूहें जमा होती हैं। जो भी इंसान जिसकी मौत आ जाती है इस दुनिया में, तो मौत के बाद मलकुल मौत और मौत पर रूह कब्ज़ करने के लिए जो फरिश्ते मुकर्रर हैं वो फरिश्ते बंदों की रूहें आलम बरज़ख़ में पहुँचाते हैं। तो एक मुस्तकिल ज़िंदगी है। ज़िंदगी और हयात के जो मदारिज अहले इल्म ने ज़िक्र किए हैं, तीन मदारिज हैं, तीन मरहले हैं। सबसे पहला मरहला दुनिया की ज़िंदगी, जिस दुनिया में फ़िलहाल मैं और आप ज़िंदा हैं ये दुनिया की ज़िंदगी कहलाती है, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम अल्लाह की इबादत और बंदगी कर रहे हैं और जो भी मुख्तलिफ जैसे अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक इस दुनिया में रहें। तो ये पहला मरहला है ज़िंदगी का, ये दुनियावी ज़िंदगी का। दूसरा मरहला बरज़ख़ की ज़िंदगी है, इंसान के मरने के बाद जिस दुनिया में इंसान चला जाता है उसको बरज़ख़ कहा जाता है, आलम बरज़ख़, जिसका तफसील ज़िक्र अभी आएगा आपके सामने। और तीसरा जो मरहला है वो है आखिरत की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी जो तमाम लोग जो दुनिया में रहने वाले, बल्कि दुनिया का भी जब ख़ातिमा होगा, दुनिया फना हो जाएगी, तो अल्लाह ताला एक दूसरी ज़िंदगी अल्लाह ताला शुरू करेंगे जिसको अल हयात अल आखिरा कहा जाता है, कि आखिरत की ज़िंदगी जहाँ हिसाब किताब होगा, तमाम लोगों को अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे, हर एक से हिसाब किताब होगा और वहाँ पर जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा। तो ये तीन मदारिज हैं, ये तीन मराहिल हैं। तो सबसे पहला मरहला इंसानी ये दुनियावी ज़िंदगी का है, जहाँ इंसान जीता है, जितना भी मौका अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है इस दुनिया में रहने के लिए, अल्लाह की इबादत और बंदगी करने के लिए, यह हम और आप जानते हैं अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह का क़ानून है। जहाँ तक अल्लाह की मशीयत होगी, उसका इरादा, उसका तकाज़े या अल्लाह ताला की जो मशीयत है, इरादा है, उसके मुताबिक हर इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है। बहुत सारे लोग हैं जो जवानी को पहुँचते हैं, बहुत कम हैं जो बुढ़ापे को पहुँचते हैं, और कुछ तो पैदा होने से पहले माँ के पेट में इंतकाल कर जाते हैं, कुछ बच्चे बचपन में पैदा होने के बाद इंतकाल कर जाते हैं। बहरहाल ये दुनियावी ज़िंदगी हैं, तो हर एक की मौत जो अल्लाह ने मुकरर की है, जैसे इंसान का वजूद इस दुनिया में नहीं था, एक वक्त वो था कि दुनिया इंसानों से खाली थी, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया दुनिया में और आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने इंसानों का ये सिलसिला शुरू किया नस्ल दर नस्ल। तो जिसका भी जो वक्त अल्लाह ने मुतय्यन किया है वो इस दुनिया में रहेगा, और जब मौत का वक्त आएगा, अल्लाह से मुलाकात का वक्त, तो हर एक को इस दुनिया से जाना है। तो मरने के बाद जो सिलसिला शुरू होता है, जो मरहला शुरू होता है, वो आलम बरज़ख है। इसी से मुतालिक कुछ बातें आपके सामने मुझे रखनी हैं। तो मरने के बाद इंसान को शरीयत के मुताबिक दफन किया जाता है,
उसको कफनाया जाता है, उसको नहलाया जाता है, और तदफीन का जो मसला है, तजहीज़ और तकफीन का, उसको नमाज़ जनाजा पढ़ने के बाद उसको ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। तो ये शरीयत का हुक्म है, और ये दुनिया के तमाम मज़ाहिब का अगर हम और आप जायज़ा लें तो इस्लाम को जो खसूसियत हासिल है कि इस्लाम ने जो पाकीज़ा तरीक़ा और बेहतरीन तरीक़ा इस्लाम ने दिया, किसी और धर्म में आपको नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म में आप देख लें, मरने के बाद इंसान को जिंदा जला दिया जाता है। औरतों के सिलसिले में सती का जो रस्म यहाँ पर राइज था, और आज भी बाज़ इलाक़ों में हिंदुस्तान के राइज है कि शौहर का अगर इंतकाल हो जाए तो बीवी को, औरत को जिंदा जला दिया जाता है, और जो भी उनके पास मरते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, उनको मरने के बाद लकड़ियां जमा करके उनको जला दिया जाता है। लेकिन इस्लाम ने जो पाकीज़ा हुक्म दिया, जो बेहतरीन हुक्म दिया, रहम करम का जो मामला इस्लाम ने किया, किसी और धर्म में इतना बेहतरीन तरीक़ा आपको नहीं मिलेगा। ये अल्लाह का एहसान है, उसका फ़ज़ल व करम है अपने बंदों पर। तो इंसान के मरने के बाद उसका जो ठिकाना है वह कब्र है, जहाँ इंसान को दफनाया जाता है। तो इस सिलसिले में बहुत सारी बातें कुरान और हदीस में आई हैं। सबसे पहली बात फितने कब्र का, कि कब्र में इंसान को आजमाया जाता है, उसका इम्तिहान लिया जाता है। और फितने कब्र से मुराद इम्तिहान है, आजमाइश है। अल्लाह ताला ने फितने का लफ्ज़ कुरान में जिक्र किया, जैसे सूरह अनफाल में अल्लाह ने कहा वअलमु अन्नमा अमवालुकुम वअौलादुकुम फितना, कि जान लो कि तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, यानी आजमाइश, इम्तिहान का जरिया है। अल्लाह देखना चाहता है क्या तुम माल दौलत को पाकर, अहलो आयाल को, औलाद को पाकर कहाँ तक तुम अल्लाह से डरते हो, कहाँ तक तुम उसका सही इस्तेमाल करते हो अल्लाह की फरमाबरदारी में। तो फितना यहाँ अल्लाह ने कहा, तो फितने से मुराद इम्तिहान, आजमाइश। और बहुत सारी आयतें हैं कुरान में जिसमें ये लफ्ज़ फितना जिक्र हुआ है, आजमाइश इम्तिहान के माने में। लेकिन शरी इस्तलाह में फितने कब्र से मुराद कब्र की ज़िंदगी में जो दो फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिनका जिक्र आएगा आगे, मुनकर और नकीर, ये दो फरिश्ते हैं, उनका मैयत से सवाल करना, तीन चीज़ों के बारे में सवाल होगा, रब के बारे में मन रब्बू का, दीन के बारे में मा दीनू का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल के बारे में ओमन नबीयुक, ये तीन सवालात हर एक से होंगे खबर में। तो फरिश्तों का अल्लाह ताला के बारे में, दीन इस्लाम के बारे में, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करना, इससे मुराद ये फितने कब्र हैं। और ये साबित हैं कुरान में, हदीस में, जो मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की शुरू में सूरह इब्राहिम की, अल्लाह ताला ने क्या कहा, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलकौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को, मुसलमानों को कलिमे तैयबा पर अल्लाह ताला साबित कदमी अता फरमाएगा। दुनिया की ज़िंदगी में जब तक मोमिन जिंदा रहेगा अल्लाह ताला उसको साबित कदमी अता करेंगे, तौहीद पर, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर वो साबित कदम रहेगा, और फिल आखिरा, और अल्लाह ने कहा आखिरत में भी, आखिरत में भी अल्लाह ताला मोमिनों को साबित कदमी, सबात कदमी अता फरमाएगा। तो इस आयत करीमा की तफसीर में क़तादा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वफिल आखिरा से मुराद कब्र की ज़िंदगी, वफिल आखिरा से मुराद कब्र की ज़िंदगी है, कि अल्लाह ताला कब्र में मोमिनों को साबित कदमी अता करेगा, जब मोमिन से सवाल होंगे, मुनकर नकीर सवालात करेंगे, और ये सवालात का जवाब देना हर एक के लिए मुमकिन नहीं होगा, बल्कि वही जवाब दे सकता है, वही साबित कदम रह सकता है जिसको अल्लाह ताला सबात कदमी अता करे, जिसको अल्लाह ताला इन सवालात के सही जवाबात देने की तौफीक अता करें। तो वही बंदा
और अल्लाह की वही बंदी जवाब दे सकती है जिस पर अल्लाह का खुसूसी फजल हो। इसी तरह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ ये वही की गई इस बात की कि तुम्हें कब्र में, तुम्हारी खबरों में आजमाया जाएगा, और ये आजमाइश कितनी सख्त होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, कहा मसीह दज्जाल, दज्जाल का जो फितना होगा उसके करीब करीब होगा ये आजमाइश, ये फितना अज़ाब कब्र में जो आजमाइश होगी, फितने दज्जाल के करीब करीब मामला होगा, यानी बहुत सख्त ये मामला होगा फितने कब्र का, ये आजमाइश बहुत सख्त होगी। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी इंसान को कब्र में दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते उसके पास आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सिफात भी बताया, कहा मलकानी अस्वदानी अजरकान, के दो काले होंगे सियाह होंगे और उनकी आंखें पीली होंगी। युकालु लिअहदिहिमा मुनकर, उनमें से एक को मुनकर कहा जाता, वलिल आखर नकीर, और दूसरे का नाम नकीर। ये तिर्मिजी की रिवायत। तो यहां भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने कब्र का जिक्र फरमाया। एक तीसरी रिवायत जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन हादिहिल उम्मत उम्मतु तुबतला फी कुबूरिहा, कि इस उम्मत को कब्र में आजमाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे अहादीस हैं। एक वो हदीस जो मशहूर, जो आप जानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मैयत को दफनाने के बाद खबर के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत को दफनाने के बाद फारिग हो जाते तो खबर के पास खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से ये इरशाद फरमाते, इस्तगफिरु लिअखीकुम, क्या मेरे भाइयों कि तुम अपने इस भाई के लिए अल्लाह से मगफिरत तलब करो, इस्तगफार करो, वसलुल्लाहु अलैहि तस्बीत, और इसके लिए साबित खदमी की दुआ करो। فَإِنَّهُ الْآنْ يُسْأَلْ, क्योंकि अभी तुम्हारे भाई से पूछा जाएगा, सवालात होंगे। तो ये सवालात वही सवाल हैं अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो इन अहादीस में जो महल शाहिद है, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो फितने कब्र है, क्या कब्र में इंसान को आजमाया जाएगा। हर एक से तीन सवालात होंगे। इसके अलावा जो मसला है कि हल फितना लिरूह या लिल जसद, के फितने कब्र इंसान के मरने के बाद क्या ये आजमाइश इंसान की रूह पर होगी या जिस्म या दोनों पर होगी, ये एक मसला है कि वहां जो आजमाइश होगी इंसान की बॉडी, क्या कब्र में रखे जाने के बाद उसको जिंदा किया जाएगा दोबारा, क्या आजमाइश सिर्फ रूह पर होगी जो अजाब होगा, या जो नेमतें वहां पर मिलेंगी नेक बंदों को, क्या सिर्फ इंसान की रूह को मिलेगी या इंसान की बॉडी को भी अजाब होगा, उसकी बॉडी को भी तकलीफ होगी। ये एक मसला है जिसमें अहले इल्म ने इख्तलाफ किया। तीन कौल हैं लेकिन दो कौल बातिल हैं और एक कौल सही है। सही कौल ये है कि ये जो आजमाइश होगी, इम्तिहान, वो इंसान के जिस्म को भी होगी और रूह को भी होगी, दोनों को आजमाइश में मुबतला किया जाएगा। दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान बरा बिन आज़िब की जो हदीस आगे आएगी इंशाअल्लाह, बड़ी हदीस है, लंबी हदीस, उसमें अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं। आपने कहा फतुआदु रूहु फी जसदी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान की मरने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाएगी, रूह को वापस लौटा दिया जाएगा। फयाती ही मलकानी फयुजलिसानी ही, तो दो फरिश्ते आते हैं और उसको उठा कर बिठाते हैं। तो ये अल्फाज बरा बिन आज़िब की रिवायत में मनकूल हैं, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत फरमा दी कि इंसान की रूह को वापस जिस्म में लौटा दिया जाता है। तो दोनों पर आजमाइश होगी, दोनों पर इम्तिहान का मामला होगा। दूसरा कौल है जिसमें
بعض اہل علم نے یہ کہا کہ صرف جسم کو آزمایا جائے گا، یہ آزمائش صرف جسم کے لیے خاص ہے، ابن جریر طبری اور دیگر اہل علم کا یہ کہنا ہے۔ اسی طرح تیسرا قول کہ یہ آزمائش صرف روح کے لیے خاص ہے، لیکن صحیح قول جو میں نے بتایا حدیث کی روشنی میں کہ انسان کے جسم کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا اور روح کو بھی، دونوں کو یہ آزمائش ہوگی، امتحان لیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے عذاب قبر سے متعلق، فتنہ قبر سے متعلق، کیا یہ آزمائش دنیا میں بسنے والے یا دنیا میں بس کر انتقال کرنے کے بعد کیا تمام لوگوں کو آزمایا جائے گا، چاہے اس میں مسلمان ہوں، چاہے اس میں کافر ہوں، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں یا دیگر مذاہب کو ماننے والے، کیا یہ ہر ایک کے لیے ہے یا صرف مسلمانوں کو آزمایا جائے گا، مومنوں کو آزمایا جائے گا؟ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، اس میں دو قول ہیں یا لوگوں کے تین، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں، مومن ہیں، کافر ہیں اور منافق، جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ اور اس سلسلے میں کیا یہ مومن کو بھی ہوگا عذاب، کافر کو ہوگا، منافق کو ہوگا؟ علماء کے دو قول ہیں، پہلا قول یہ ہے جو صحیح نہیں ہے، جس میں کہا گیا کہ فتنہ قبر یہ مسلمان اور منافق کے ساتھ خاص، بعض اہل علم نے کہا جیسے امام ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ مسلمان کو ہوگی آزمائش اور منافق کو ہوگی۔ لیکن دوسرا قول جو صحیح ہے اور اس کے لیے کافی دلائل ہیں قرآن میں، حدیث میں، کہ فتنہ قبر عام ہے، فتنہ قبر، قبر میں جو آزمائش ہوگی یہ عام ہے ہر ایک کے لیے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، منافق ہو، یہ تمام لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہر ایک کے ساتھ ہوگی، ہر ایک کو آزمایا جائے گا۔ اس میں بہت سارے ادلہ ہیں قرآن میں، احادیث میں، کہیں اللہ تعالیٰ نے جو ابھی میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو گمراہ کر دے گا، سیدھے راستے سے اللہ تعالیٰ ان کو بہکا دے گا، ثابت قدمی ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگی جنہوں نے ظلم کیا، اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا عبادت یا اس کے اقسام میں، یہ شرک ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں گے، تو یہ قول منافق پر بھی صادق آتا ہے اور کافر پر بھی صادق آتا ہے، ایک یہودی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے، اسلام کے بارے میں سنے، پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے، اسی طرح ایک نصرانی اللہ کے نبی کے آنے کے بعد آپ کے شریعت پر اسلام نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا اور قبر میں اس کو آزمایا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، ان ھذہ الامۃ تبتلا فی قبورھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس امت کو قبر میں آزمایا جائے گا، تو یہاں امت کا لفظ استعمال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور امت میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے کافر ہوں، یہ بھی امت محمدیہ میں شامل ہے، منافق بھی شامل ہیں، مومن بھی شامل ہیں، اور تمام لوگ امت محمدیہ میں شامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے، جس نے اسلام قبول کیا وہ مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا، جس نے انکار کیا وہ کافروں، منافقوں اور مشرکوں کے زمرے میں چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش عام ہے تمام لوگوں کے لیے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے ذکر کیا ایک چوتھا مسئلہ جو عذاب فتنہ قبر سے متعلق، کہ آزمائش کس کی طرف سے ہوگی اور کون مومنوں کو آزمائیں گے یا عام لوگوں کو آزمائیں گے، جیسا ابھی میں نے ذکر کیا جو آیت، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منکر اور نکیر، یہ دو فرشتے ہیں جو ہر ایک سے سوال کریں گے قبر میں، اور یہ ڈرونی شکل میں آئیں گے، جس طرح میں نے اس سے پہلے جو درس دیا تھا ایمان بالملائکہ کے سلسلے میں، وہاں میں نے وہ لمبی حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی
کہ فرشتوں کی صفت کیا ہوگی، ڈرونی شکل میں آئیں گے، اور بعض حدیثوں میں اشارہ ہے کہ ان کی سینگیں ہوں گی، زمین کو کھرچتے ہوئے آئیں گے، اور نیلی نیلی ان کی آنکھیں ہوں گی، ڈرونی خوفناک شکل و صورت میں آئیں گے، اور جھنجھوڑ کر پوچھیں گے۔ تو یہ فتنہ قبر کوئی آسان مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جیسا اللہ نے سورہ ابراہیم میں کہا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدمی عطا کرے گا۔ ایک مومن، ایک مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان عطا کریں گے، وہ مطمئن ہو کر پرسکون ماحول میں وہ اطمینان کے ساتھ جواب دے گا۔ لیکن ایک کافر، ایک منافق، ایک مشرک ہاں ہاں لا ادری کہے گا، کیا ہے افسوس، مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے کیا سوال کیا جا رہا۔ تو یہ فتنہ قبر جو ہوگا، منکر نکیر دو فرشتے ہوں گے، یہ سوالات کریں گے ایک مومن سے اور ہر ایک سے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے قبر کے بارے میں، یہ تو تھا فتنہ قبر کے بارے میں، اس کے علاوہ نعیم قبر، کہ قبر میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ مرنے سے پہلے بھی خوشخبریاں دی جاتی ہیں مسلمان کو، ایک مومن کو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مختلف جگہوں پر، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ سورہ نحل میں اللہ نے کہا کہ جب فرشتے بندے مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو خوشخبری دیتے ہیں، سلام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں کہ جو تم اچھا عمل کر رہے تھے، نیک عمل کر رہے تھے، وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کو خوش کرنے والا، تو اس عمل کے بدلے تم خوش ہو جاؤ اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاؤ کہ تم جنتی ہو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اللہ کی طرف سے انہیں سلام کہا جاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں بھی کہا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ نیک بندہ یا بندی اگر مقرب بندوں میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، تو یہاں پہ جنت کی اور جنت میں جو بے شمار نعمتیں ہیں اس کی خوشخبری اس کو ملے گی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر دہنے جانی والوں کی طرف سے یعنی جنتی والا ہے تو وہاں اس کو سلام بھی کہا جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری آیتیں ہیں شہداء کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، سورہ آل عمران میں، فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، شہادت کا مقام پاتے ہیں، انہیں تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی آیت کریمہ سورہ بقرہ میں بھی ہیں۔ اسی طرح عذاب قبر کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں عذاب قبر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، سورہ غافر جس میں اللہ نے کہا آل فرعون کے بارے میں، فرعون اس کے قوم کے بارے میں، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، سُوَ الْعَذَابِ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آل فرعون کو بہت ہی بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اللہ نے کہا صبح اور شام آگ ان پر پیش کی جاتی، جہنم کی آگ ان کے عذاب میں اور شدت پیدا کرنے کے لیے جہنم کی آگ صبح اور شام پیش کی جاتی ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ نے کہا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو بہت ہی سخت عذاب میں داخل کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو عذاب کا ذکر کیا۔ تو پہلا جو عذاب ہے وہ عذاب قبر ہے، کہ قبر میں ان کو آزمایا جا رہا ہے، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن پھر اللہ نے کہا کہ اس سے سخت عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں کہا مِمَّا خَطِئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، کہا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جس میں یہ غرق ہو گئے تھے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، ان کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، فَأُدْخِلُوا نَارًا۔ تو یہاں فا جو ہے
अरबी जबान जानने वाले जानते हैं अरबी जबान उसके कवायद फा जो है यहाँ पे तरतीब के लिए कि गुनाहों की वजह से उनको जहन्नम में डाला गया तो फौरन फा जो है तरतीब और ताकीब के लिए आता है जिसके माने तराखी के नहीं होते यानी ताखीर नहीं की जाएगी। गुनाहों की वजह से जब अल्लाह का अजाब आ जाता है तो फौरन अजाब में मुब्तला किया जाता है। तो यहाँ नारा से मुराद मुफस्सरीन ने कहा ये अजाब कब्र मुराद कि कब्र में उनको आजमाया जा रहा है उनका अजाब दिया जा रहा है। इसी तरह दीगर मकामात पर अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में भी अल्लाह ने कहा وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى। अल्लाह ने कहा जो मेरे जिक्र से मेरी इबादत से एराज करे मुंह मोड़े तो अल्लाह ने कहा उसको हम उसकी जिंदगी तंग कर देंगे दुनिया में भी और कब्र की जिंदगी में भी। तो आखिरत का मामला तो बहुत सख्त है, आखिरत में अल्लाह ने कहा कि हम अंधा करके उसको उठाएंगे। तो इस तरह ये बेशुमार आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने कब्र में जो नेक बंदों को नेमतें मिलेंगी बहुत सारी नेमतें उसका भी जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है। इसी तरह अल्लाह ने अजाब कब्र का भी जिक्र किया है जिस पर ईमान लाना जरूरी है, ईमान लाना वाजिब है जरूरी है अजाब कब्र पर कि कब्र में अजाब भी दिया जाता है, कब्र में आजमाया जाता है और कब्र में मोमिनों को बहुत सारी नेमतें अता की जाती। और इस सिलसिले में अजाब कब्र से मुतालिक कब्र में होने वाले जो दिए जाने वाले जो नेमतें हैं इसके बारे में बहुत सारी अहादीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं जो सही बुखारी मुस्लिम के अलावा सुनन अबू दाऊद सुनन तिरमीदी सुनन इब्ने माजा सुनन नसाई मुस्नद अहमद और मुख्तलिफ जो हदीस की किताबें हैं मुसन्नफात हों मुस्तदरकात हों मुस्तखरजात हों बहुत सारी अहादीस हैं जो तवातुर की हद को पहुँचती मुतवातिर अहादीस हैं। एक बहुत बड़ी तादाद ने सहाबा किराम की ताबईन की तबे ताबईन की मुहद्दिसीन की इसको रिवायत किया है जिसका इनकार करना नामुमकिन, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसका इनकार किया है, आगे जिक्र आएगा कि किन लोगों ने इनकार किया। और अजाब कब्र इनकार किया तो उनके पास क्या शकूक व शुबहात हैं उसका भी जिक्र आएगा, उनके पास क्या दलाइल हैं अकली नकली दलाइल उसका जवाब भी इंशाल्लाह आगे आएगा। तो अहादीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र किया है और मशहूर हदीस आप जानते हैं एक मरतबा अल्लाह के नबी इब्न अब्बास की रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक मरतबा दो खबरों के पास से हुआ जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया कि इन कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दोनों को अजाब हो रहा, तो दोनों का जिक्र अल्लाह के नबी ने किया और कहा एक तो चुगलखोरी किया करता था एक की बात दूसरों को पहुंचाता था फसाद मचाने के लिए, दूसरा अल्लाह के नबी ने कहा कि पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो यहां अदाब कब्र का जिक्र अल्लाह के नबी सासम ने किया। इसी तरह शहदा के बारे में अल्लाह के नबी सासम ने कहा उहद के मौके पर जो सहाबा किराम शहीद हुए थे अल्लाह के नबी ने कहा कि जो उहद के मौके पर जो सहाबा किराम शहीद हुए सहाबा से खिताब करके कहा तुम्हारे भाइयों में से जिसको अल्लाह ने शहादत नसीब की अल्लाह ने उनकी रूहों को सब्ज परिंदों को के पेटों में अल्लाह ने रख दिया जो जन्नत की नहरों में चक्कर लगा रही, जन्नत की नहरों और जन्नत में कुछ दरख्त हैं और अर्श इलाही के पास कुछ खनादील है कंदीलें जिसका जिक्र आएगा अहादीस में आगे, तो वहाँ घूम रही हैं चक्कर लगा रही हैं जहाँ जहाँ चाहते हैं वो उड़ते रहते हैं। शहदा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया लौला अन तुदाफिनू لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه। اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں نہ تم کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں اللہ سے ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو سنا دے تمہیں بھی جس کو میں سن رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سنایا گیا اور قبر کے جو عذاب ہوتا ہے مردہ جو چیختا ہے میت پکارتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اگر
वो आवाज तुम भी सुन लेते जो मैं सुन रहा हूं, तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर देते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे डर है कि कहीं तुम ऐसा करोगे, अपने मुर्दों को ना दफनाओगे, इसलिए मैंने अल्लाह से दुआ नहीं की। इस तरह बेशुमार अहादीस हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब कब्र का जिक्र किया, और खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में अजाब कब्र से पनाह मांगते थे। तो ये तमाम अहादीस इस बात की दलील हैं कि जहां कब्र में नेक बंदों को नेमतें मिलती हैं, वहां अजाब भी होता है बुरे लोगों को। इसके अलावा एक मसला है जो फितने कब्र के बारे में मैंने आपसे कहा था कि फितने कब्र या सिर्फ जिस्म को होगा या रूह को, यहां भी एक मसला है कि अजाब कब्र, कब्र में जो अजाब होगा क्या वो इंसान के सिर्फ जिस्म को होगा या रूह को भी तकलीफ होगी। इसी तरह जो नेमतें मिलेंगी इंसान को कब्र में, एक मोमिन को, एक मुसलमान को, क्या वो सिर्फ जिस्म को मिलेंगी या इंसान की रूह को मिलेंगी। दुनिया की जिंदगी भी हम जानते हैं कि हमारे जिस्म, ये सिर्फ हमारा जिस्म नहीं है बल्कि हमारे जिस्म में एक रूह है जो मौत के वक्त इस रूह को निकाल दिया जाता है, जिस्म से अलग कर दिया जाता है, फिर अल्लाह के पास ले जाया जाता है। अगर नेक है, मुसलमान है, तो आला इलीन में उसका नाम लिख दिया जाता है, फिर वापस लौटा दिया जाता है। तो इसमें भी उलमा इकराम के अखवाल हैं, सही कौल इसमें यही है कि रूह को भी अजाब होता है जैसे जिस्म को होता है, रूह को भी अजाब होता है, और रूह को जैसे नेमतें मिलती हैं, जिस्म को भी नेमतें हासिल होती हैं। यही अक्सर अहले इल्म का कौल है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और बड़े बड़े उलमा किराम ने इसी पर इत्तेफाक किया है कि कब्र में जो नेमतें मिलने वाली हैं या अजाब, ये रूह को भी मिलती हैं और जिस्म को भी मिलती हैं। यही सही कौल है, इसके कई दलाइल हैं कुरान और हदीस में। इसके अलावा एक मसला ये आता है कि अदाब कब्र कोई दिखने वाली चीज नहीं, कब्र में जो अदाब होता है, कब्र में जो आजमाइश होती है, इम्तिहान, ये हमें नजर आने वाली नहीं। इसी तरह कब्र में जो नेमतें हैं, अदाब है, ये अदाब इंसान को नजर आने वाला नहीं, ये गैब में शामिल है, ये गैबी जिंदगी है आलम बरजक, जिसको अल्लाह ताला ने इंसानों से छुपा दिया, मख्फी रखा है, पोशीदा रखा है। और इसकी हिकमत क्या हो सकती है अगर हम कुरान और हदीस का जायजा लें, तो हमें पता चलता है कुरान और हदीस को पढ़ने के बाद कि आखिर अल्लाह ने इसको क्यों मख्फी रखा। तो सबसे पहली वजह यह मालूम होती है कि रब्बुल जलाल का मकसद जो है इंसान को आजमाना है, इंसान को आजमाना है, इम्तिहान लेना है कि कहां तक कौन बंदा या बंदी अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलेंगे, अल्लाह के बताए हुए चीज़ों को अपनाएंगे, तस्लीम करेंगे। ये अल्लाह का मकसद है, उसकी हिकमत है। अल्लाह ताला चाहता है कि वो गैब पर ईमान लाएं, अल्लाह के बंदे गैब पर ईमान लाएं, ये गैब में शामिल हैं। और अल्लाह ने अपने नेक बंदों की तारीफ की सूरह बकरा की इब्तदाई आयतों में, अल्लाह ने क्या कहा, अल्लज़ीन युमिनूना बिलगैब, मुत्तकी लोग, अल्लाह ने कहा मुत्तकी कौन है जो गैब पर ईमान लाते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं। तो अदाब कब्र जैसा मैंने इससे पहले बताया, जन्नत का जो मामला है ये गैब में है, किसी आंख ने नहीं देखा, दुनिया के किसी कान ने जन्नत और जहन्नम के बारे में नहीं सुना, और किसी के दिल में उसका तसव्वुर भी नहीं आया, लेकिन एक तकरीबी जहन के लिए, लोगों को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया। फरिश्तों का जिक्र हुआ, मैंने बयान किया इससे पहले, ये फरिश्तों की जो जिंदगी है ये भी मख्फी है गैब में। और इससे पहले जिन्नात के बारे में, शयातीन के बारे में बहस हुई, ये मसला भी मख्फी है। अल्लाह ने कहा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहुम, कि शैतान जिन तुम्हें देखते हैं लेकिन तुम उनको नहीं देख सकते। तो ये तमाम चीज़ें गैबियात में शामिल। तो इसी तरह अदाब कब्र भी गैब में है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कौन बंदा बगैर देखे ईमान रखता है, यकीन रखता है। तो ये सबसे बड़ी हिकमत है इसमें कि अल्लाह ने अजाब कब्र को, फितने कब्र को और कब्र में होने वाली नेमतों को अल्लाह ने बंदों से छुपा दिया, ताकि अल्लाह ताला आजमाए, इम्तिहान ले कि कौन इस पर ईमान लाता है।
और इसी तरह जो इशारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अल्लाह ताला ने इसको मख्फी रखा अदाब कब्र को, क्योंकि अदाब कब्र बहुत ही सख्त मसला है, सख्त मामला है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज की रात अल्लाह के नबी को जहन्नम दिखाई गई, कब्र का अदाब दिखाया गया, तो आपने क्या कहा? मा रायतु मंदरन अफदा मिन अदाब कब्र। अल्लाह के नबी ने कहा जो सबसे भयानक मंजर जो मैंने देखा वो अदाब कब्र था, कब्र का अदाब सबसे सख्त मंजर था जिसको मुझे दिखाया गया। तो सिवाय इंसान और जिनों के, इंसान और जिनों के, जैसा अल्लाह के नबी ने कहा, गैर सखलैन, सखलैन के अलावा जब कब्र में अदाब होता है तो तमाम मखलूकात, अल्लाह की तमाम मखलूक, जानवर हैं, परिंदे हैं, ये तमाम सुनते हैं उसके चीख को, मुर्दे के चीख को, पुकार को, सिवाय अल्लाह के नबी ने कहा इंसान और जिनों के, इंसान और जिन इसको नहीं सुन पाते, अल्लाह ने उसको मख्फी रखा है। और अल्लाह के नबी ने जिसे इशारा किया कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि कहीं तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दो, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम्हें अजाब कब्र सुना दे। तो अल्लाह ने मख्फी रखा, हम पर रहम करते हुए, एहसान का मामला करते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इस दुनिया में रहना, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। क्योंकि जब इंसान किसी भयानक मंजर को देखता है, खौफनाक मनाजिर को देखता है, तो उसकी ज़िंदगी से चैन और सुकून ख़त्म हो जाता, रातों की नींदें हराम हो जाती। तो अल्लाह ने एहसान किया हम पर, खुसूसी अल्लाह ने फ़ज़ल किया ताकि हम सुकून व इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजारें। उसके अलावा एक मसला ये है, जो अहम मसला है, कि अदाब कब्र के असबाब क्या हैं, अदाब कब्र के क्या असबाब हैं, कि किन असबाब और उमूर को अपनाने से इंसान को अदाब दिया जाता है, कौन सी चीज़ें हैं जिसका इर्तिकाब करने से इंसान पर अदाब होता है। तो उलमाए किराम ने इन असबाब को दो किस्मों में तकसीम किया, पहला सबब आम है, आम है, और दूसरा सबब जो है ख़ास है। पहला सबब जो आम है उसमें हर किस्म की बुराई, हर किस्म की मासियत, हर किस्म की नाफरमानी शामिल, कि कोई भी गुनाह जिसको शरीयत ने गुनाह कहा, बुरा काम कहा, और जिस पर अल्लाह ताला ने वही सुनाई, डराया, ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। तो हर वो गुनाह, हर वो नाफरमानी जिसको बंदे ने किया है और तौबा किए बगैर इंतकाल कर गया, तो ये सबब आम में आ जाता है, जिससे तौबा नहीं किया बंदे ने, और खालिस तौबा जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरह तहरीम में किया है कि हम खालिस तौबा करें, तौबतुन नसूह, खालिस तौबा, सच्ची तौबा, जिसमें कुछ शुरूत हैं कि हम खालिस अल्लाह के खुशनौदी के लिए हम तौबा करें, माफ़ी मांगें, उस बुराई को बिल्कुल छोड़ दें हमेशा के लिए, और जिस गुनाह को हमने किया है उस पर शर्मिंदा भी हों कि हमसे गुनाह हुआ है। इसी तरह ये आज़म भी करें कि इंशाल्लाह जितना मौका मिलेगा दुनिया में रहने का, आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती, ऐसा गुनाह फिर दोबारा नहीं करेंगे। तो ये खालिस तौबा के शुरूत हैं, कंडीशंस, जो भी इसको अपनाएगा उससे वो गुनाह माफ़ हो जाएगा। तो ये सबब आम है, एक सबब, और दूसरा सबब जो है ख़ास है, ये हर एक के साथ है। ख़ास सबब क्या है? ख़ास असबाब जिसकी वजह से बंदों को अजाब, कब्र में अदाब होगा, कब्र के अदाब से दो चार होना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें जो है शिर्क आता, शिर्क अकबर और कुफ्र अकबर, शिर्क अकबर और कुफ्र अकबर, कि कोई शख्स अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें। अल्लाह ही ने इंसान को पैदा किया, अगर इंसान अल्लाह को छोड़कर, अपने माबूद को भूलकर किसी और की परस्तिश करे, इबादत करे, या इबादत के जो अकसाम बताए गए हैं, नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, ज़कात देना है, हज करना है, कुर्बानी करना है, नजर व नियाज हैं, डर और खौफ हैं, इस्तेगासा मदद मांगना है, बच्चे मांगना है, दुआ करना है, ये तमाम इबादतें हैं। तो इन तमाम इबादतों में अगर इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारे, किसी और के सामने झुके, किसी और से मांगे, ये तमाम चीज़ें शिर्क हैं।
तो शिर्क करने वाला मुशरिक को कब्र का अदाब होगा, मुशरिक को अदाब कब्र में अदाब दिया जाएगा। इसी तरह एक काफिर जो अल्लाह ही का इनकार कर दे, अल्लाह ही का इनकार करे, अल्लाह को अपना खालिक ना तसव्वुर करे, अपना माबूद ना तसव्वुर करे, ये कुफ्र है या शिर्क है। तो ये पहला सबब है, सबब खास में ये अमल है कि शिर्क करना अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक करके इसमें मुबतला होना, ये कब्र के अदाब का बाइस। इसी तरह निफाक है। निफाक क्या है कि इंसान जाहिर में कुछ और रहे और बातिन में कुछ और रहे, सामने जाहिर करे कि मैं मुसलमान हूं और दिल में अल्लाह से दुश्मनी, दीन से दुश्मनी और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी, मुसलमानों से दुश्मनी को छुपाए, दिल से अल्लाह का इनकार करे, दिल से अल्लाह से दुश्मनी करें, अल्लाह के रसूल से दुश्मनी करें, इस्लाम के खिलाफ बगावतें करें, मुसलमानों को सताएं, मुसलमानों को जब भी कोई अच्छी चीज मिलती है तो दिल में तंगी महसूस करें, तो ये निफाक है। ये निफाक है कि बज़ाहिर एक कलिमा पढ़े और दिल में निफाक रखे, इस्लाम से दुश्मनी करें, अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी करें। जैसे अल्लाह के नबी के ज़माने में भी मुनाफिकीन थे, मक्का मुकर्रमा में तो मुनाफिकों का वजूद नहीं था, मदीना मुनव्वरा हिजरत करके जाने के बाद मुनाफिकों का वजूद वजूद में आए और ज़ाहिरन खुल्लम खुल्ला उन्होंने दुश्मनी की अल्लाह से, उसके रसूल से। आप जानते हैं, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। तो निफाक के इंसान दिल में अल्लाह उसके रसूल और दीन से, मुसलमानों से नफरत करे, दुश्मनी करें और ज़ाहिर में बताए कि मैं मुसलमान हूँ, ज़ाहिर में नमाज़ पढ़ के बताए मैं मुसलमान हूँ, लेकिन दिल में नीयत उसकी बुरी हो, इरादे उसके बुरे हों, ये भी कब्र का अदाब का बाइस। इसी तरह नमीमा, जिसका जिक्र अभी मैंने किया है, अल्लाह के नबी ने उस कब्र वाले के बारे में कहा कि ये गीबत किया कर, ये चुगलखोरी किया करता था। नमीमा कि एक की बात दूसरे को पहुंचाना, मकसद क्या हो, फसाद लड़ाना, एक दूसरे को में दरार पैदा करना, दो जमातों को अलग करना, दो घरों को बर्बाद कर देना, दो भाइयों को आपस में रिश्ता अखुवत के रिश्ते को ख़त्म कर देना, ये अगर मकसद हो एक की बात दूसरे को पहुंचाना बुरे नीयत से, अगर इस्लाह का मकसद हो अलग चीज़, ये जायज़ है और वहाँ झूठ भी बोलना जायज़ है इस्लाम में, दो जमातों को मिलाने के लिए, दो भाइयों को मिलाने के लिए, दो रिश्तेदारों को मिलाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। लेकिन अगर कोई दो लोगों को मिले हुए मियाँ बीवी के दरमियान तफरीका, माँ बाप बच्चों के दरमियान जुदाई डालने के लिए एक की बात दूसरे को पहुँचाना जिसको नापसंद करते हैं और फितने फसाद का बायस बन जाता है, ये नमीमा कहलाता है, चुगलखोरी, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने ये भी कहा ला यदखुलुल जन्नत खत्तात, कि चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये अदाब कब्र का बायस भी है, चुगलखोरी करना, एक की बात दूसरे को पहुँचाना और नीयत हमारी ख़राब हो, ये कब्र का अदाब बनेगा, अब अदाब का बायस बनेगा। इसी तरह एक सबब जो मैंने जिक्र किया, पेशाब के छींटों से ना बचना, पेशाब की छींटों से, ये भी बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, अदाब कब्र का बाइस है कि जब भी पेशाब, एहतियात करना चाहिए, ख़ास तौर से अगर ज़मीन जहां हम पेशाब कर रहे हैं अगर वहां पत्थर है या सख्त ज़मीन है, एहतियात करना चाहिए क्योंकि पेशाब की छींटे उछल सकते हैं। और जैसे ही अगर पेशाब के खतरे बदन पर या जिस्म पर लगे, हम उसको फौरन साफ़ कर लें, इसमें माफ़ नहीं है, अदाब कब्र होगा। हत्ता के साथ बिन उबादा के बारे में रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, जिस हमने इससे पहले जिक्र किया था, आपको भी कब्र ने दबा दिया था, सख्ती से दबा दिया था, अल्लाह के नबी ने वहाँ सबब जिक्र किया बाज़ मुहद्दिसीन ने कि यही सबब था कि किसी दिन उनसे बे एहतियाती हो गई थी पेशाब के छींटों से बचने में, किस अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन। इसी तरह अदाब कब्र के सिलसिले में जो असबाब अहले इल्म ने जिक्र किए हैं, एक सबब है झूठ बोलना, कसरत से झूठ बोलना, झूठ जैसा मैंने जिक्र किया, तीन जगहों पर झूठ बोलना इस्लाम में जायज़, उसके अलावा कहीं झूठ बोलना जायज़ नहीं। एक तो मैंने अभी बताया कि दो दोस्तों को मिलाने के लिए, दो भाइयों को, दो जमातों को मिलाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सहारा ले सकते हैं झूठ का। इसी तरह जंग के मैदान में काफिरों को शिकस्त देने के लिए, अल्लाह के दुश्मनों को हराने के लिए, शिकस्त देने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसी तरह शौहर बीवी के सामने जो इज़्दिवाजी ताल्लुकात होते हैं
उसका दिल को उसको तसल्ली देने के लिए। और औरत मालूम है आपको, औरत एक ऐसी ज़ात है जो नरम होती है तबीयत के एतबार से, और बहुत सारी चीज़ों में मर्द के मुकाबले में वो अज़्म नहीं होता, वो पुख्ते इरादे या हिम्मत जो मर्द में होती है। तो औरतों शोहर के लिए जायज़ हैं कि इज़्दिवाजी ताल्लुकात में बीवी के सामने कुछ बातें कह दे जो हकीकत के ख़िलाफ़ हों तो जायज़ है, ये इजाज़त शरीयत ने दी है, लेकिन दीनी मामले में नहीं। दीनी मामले में बीवी के सामने झूठ बोलना जायज़ नहीं। तो झूठ बोलना, और सबसे बड़ा झूठ आप जानते हैं, अल्लाह के ख़िलाफ़ हम कोई बात कहें जो अल्लाह ने नहीं कही, हम हवाला दें कि अल्लाह ने ऐसा कहा, नऊज़ बिल्लाह, ये सबसे बड़ा झूठ, ये शिर्क से बड़ा गुनाह है कि हम अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई और गलत बात कहें। इसी तरह अल्लाह के नबी पर झूठ घड़ना, झूठी हदीसें बयान करना जैसे लोग करते हैं और पहले भी करते थे, तो ये भी अज़ाब क़ब्र का बाइस। इसी तरह जिसको अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म अता किया, दीन का इल्म अता किया, और वो अमल ना करें, जानबूझकर अमल ना करें और रात भर सो जाएं हत्ता के फजर की नमाज भी ना पढ़ें, फजर की नमाज भी ना पढ़े जानबूझकर, तो ऐसे शख्स को भी खबर का अदाब दिया जाएगा। इसी तरह जिना है, सूद खाना है, ये भी बड़े बड़े गुनाह हैं, कबीरा गुनाह, जिस पर वईद आई है, सख्त वईदें आई हैं कुरान अहादीस में, ये भी अदाब खबर के बाइस। इसके अलावा जो असबाब हैं अदाब खबर के, जिना के सिलसिले में मैंने कहा कि जिना करना नऊज़ बिल्लाह, अपनी ज़रूरत इंसान क्या है गलत तरीके से पूरी करे, और इसमें किसी की तरफ देखना भी, ये भी गुनाह है जिसको अल्लाह ने मना किया है। किसी आप जानते हैं जिससे भी शादी करना इंसान के लिए जायज़, कोई भी अजनबी औरत उसकी तरफ देखना अल्लाह ने मना किया है, और जिना का जो जिना के करीब ले जाने वाली चीज़ है, जो सबसे पहले नज़र है, देखना है, इंसान देखता है, फिर बाद में गुफ्तगू होती है, सलाम कलाम, उसके बाद आगे मामला बढ़ता है, और अल्लाह ने जिना से मना नहीं किया कुरान में, बल्कि अल्लाह ने कहा वला तखरबु जिना, कहा कि जिना के करीब भी मत जाओ, ये नहीं कहा वला तजनू, जिना मत करो, बल्कि कहा जिना के करीब भी मत जाओ। तो उलमा ने कहा कि देखना, किसी अजनबी औरत को देखना, उससे गुफ्तगू करना, बेजा गुफ्तगू, हंसी मजाक, जो इंसान को जिना में मुबतला कर देता है, तो इससे भी बचना चाहिए। इसी तरह मैयत पर रोना, नोहा करना, गिरेबान चाक करना, गालों को मारना, कपड़े फाड़ना, नऊज़ बिल्लाह, ये नोहा खानी जो कहलाती है, जाहिलियत में आम थी, आज भी करते हैं लोग, पैसे देकर ऐसे औरतों को बुलाते हैं जो रोती हैं, मारपीट करती हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये भी सख्त गुनाह है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैयत को अजाब दिया जाता है उसके अहल व आयाल के रोने की वजह से, तो भी ये भी कब्र के अदाब का ये बाइस है। इसी तरह गीबत करना, गीबत करना भी कि हम किसी के पीठ पीछे कोई ऐसी बात कह दें जो उसको ना पसंद हो, ये गीबत है, इसे इस्लाम ने मना किया है। इसी तरह तकब्बुर करना, टखनों से नीचे प्यांट पैजामा लटकाना, ये भी कबीरा गुनाह है, अजाब खबर का ये बाइस। आगे जिक्र आएगा इंशाल्लाह अगले दर्स में, क्योंकि वक्त कम है, ये मौजू बहुत वसी हैं, फिर भी कोशिश करूँगा कि अगले मुहादरे में बातें ख़त्म हो जाएं। इसके इस सिलसिले में एक मसला, आखिरी मसला जिक्र करके बात ख़त्म करता हूँ कि अदाब कब्र ये है क्या हमेशा होगा या उसका कोई ख़ास, उसकी कोई मुद्दत है, कुछ पीरियड, ये एक मसला है, अहम मसला कि अदाब कब्र क्या हमेशा क़ियामत कायम होने तक होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले इंतकाल कर गए, क्या आज तक भी उनको अदाब कब्र हो रहा है? सहाबा का ज़माना आप देख लें, अम्बिया का ज़माना देख लें, हज़ारों साल हो गए आदम अलैहिस्सलाम आके, हज़ारों साल हो गए, तो क्या अदाब कब्र हमेशा के लिए है क़ियामत तक, या उसका कोई ख़ास वक्त है, मुद्दत, ये एक मसला है। इसमें अहले इल्म ने इख्तलाफ किया है, या अदाब कब्र के सिलसिले में कहा कि दो किस्में हैं इसकी, एक किस्म वो है कि जो क़ियामत तक होगा,
एक अजाब खबर वो है जो क़ियामत तक, जब इंसान मर जाए उस वक्त से लेकर क़ियामत तक उसको दिया जाएगा। और दूसरी किस्म वो है जो मुनक़ते हैं, जो एक ख़ास वक्त के लिए, जितनी गलती थी इंसान की, जितना गुनाह इंसान ने किया उसके मुताबिक उसको एक ख़ास मुद्दत तक, वक्त तक उसको अजाब दिया जाएगा, फिर उससे अजाब खबर उठा लिया जाएगा। इंशाल्लाह ये मसला और तवील है, अगले दर्स में इंशाल्लाह उसकी तफसील बयान की जाएगी। और उसके अलावा अजाब खबर से बचने के लिए कुछ असबाब ने असबाब भी जिक्र किए हैं शरीयत ने, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ख़ास असबाब जिक्र किए हैं जिसको अपना कर हम अजाब खबर से बच सकते हैं। इसी तरह शहदा के सिलसिले में कुछ तफसीली बातें हैं, और माशरे में जो गलत ख्यालात हैं आज शहदा के सिलसिले में, और खबर के मरने वालों से सवाल करने के सिलसिले में, और बहुत सारी जो बुत परस्ती है, खबर परस्ती है, उससे मुतालिक जो शकूक व शुबहात हैं, एक बहुत बड़ा बाब है ये, इंशाल्लाह उससे मुतालिक कुछ बातें रह गई हैं, अगले दुरुस्त में इंशाल्लाह उसको मुकम्मल किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें हमने सुनी हैं खबर के ताल्लुक से, खबर के आदाब, वहाँ होने वाली नेमतें, उस सिलसिले में जो बातें हमने सुनी और जो अमल के मुतखादी हैं, अल्लाह ताला हमें अमल पैरा होने की तौफीक दे, इन बातों को अच्छी तरह अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, सबसे पहले समझने के साथ साथ अमल की, और प्लस दावत की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दोनों दिखाए गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम में जितने मराहिल हैं, अजाब हैं मुख्तलिफ, जहन्नम में दिखाए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि सूदखोर का अंजाम आपने देखा, जो झूठ बोलता है उसका अंजाम आपने देखा, इसी तरह जानी मर्द औरतें, एक तन्नूर देखा अल्लाह के नबी ने जिसको बंद किया गया, ऊपर से आग थी, नीचे उनको बरहाना थे उसमें, वो दिखाया गया, और मुख्तलिफ अदाबात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए, और अल्लाह के नबी ने वहाँ खबर के आदाब को भी आपको दिखाया गया, खबर का आदाब, जैसे उस्मान, हजरत उस्मान की रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा, मा रअयतु मंज़रन अफ़दा मिन अज़ाबिल क़ब्र, आपने कहा कि सबसे भयानक जो मंज़र मुझे दिखाया गया वो अज़ाब क़ब्र, खबर का अज़ाब। देखिए, किसी भी खेल को देखना या खेलना, कोई भी खेल ऐसा जिसमें शरीयत ने मना नहीं किया, जैसे फुटबॉल है, ये सेहत व तंदुरुस्ती का बाइस है, फुटबॉल खेलना पूरे जिस्म की वर्जिश है, ये फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट हो या कोई भी गेम जिससे शरीयत ने मना नहीं किया, कुछ गेम्स हैं जिससे शरीयत ने मना किया, जिसे चेस वगैरह कहते हैं उलमा, जो मना है, नर्दशीर जिसका जिक्र अहादीस में आया, सख्त वाइज सुनाई गई, तो बज़ाहिर ये खेल खेलना हराम नहीं है, लेकिन जो खेलने वाले हैं उनको देखना, मर्दों के लिए औरतों का देखना और औरतों के लिए मर्दों को देखना, ये हराम, शरीयत ने मना किया। खेल बज़ाहिर खेला, और खेल भी उस वक्त हराम है, चाहे क्रिकेट ही क्यों ना हो, फुटबॉल, ये हराम नहीं है खेलना, खेल सकते हैं आप, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट आप खेल सकते हैं, बास्केटबॉल हैं, और दीगर जो भी बैडमिंटन जो है, हॉकी है, ये तमाम चीज़ें खेल सकते हैं आप, शरीयत ने मना नहीं किया। लेकिन अगर खेल में आप इतना वक्त दें कि आप अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो रहे हैं, नमाज़ों की पाबंदी नहीं, नमाज़ों को भी आप क़ुरबान कर रहे हैं, गेम के लिए आप रात रात जाग रहे हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं फजर की, या दिन में भी जहर की नमाज का वक्त हो गया, आप क्रिकेट देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं या खेल रहे हैं, यह हराम। जो भी खेल या जो भी अमल अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे, हकीकी मकसद को भुला दे, यह हराम, चाहे वह क्रिकेट ही क्यों ना हो, चाहे वह तैराकी ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी खेल हो जो जायज़ है बज़ाहिर या शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन अल्लाह के जिक्र से रोक रही है और मकसद हयात से रोक रही है, वह हराम हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो हराम है यहाँ पर, मर्दों का औरतों को देखना या औरतों का मर्दों को देखना, चाहे मुकम्मल लिबास ही में क्यों ना हो, जी सिर्फ चेहरा खुला हो तो देखना जायज़ नहीं है, लेकिन आज के खिलाफ जानते हैं नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि जिस्म के अक्सर आधा नज़र आते हैं, अल्लाह हिफाजत करे, तो ये भी जायज़ नहीं है।
न्यूज़ भी देखिए, उसमें यही मैं कहूँगा कि औरत मर्द औरत को नहीं देख सकता, और औरत मर्द को सिर्फ आवाज़ आपको सुनना है, मजबूर हैं आप, कि अक्सर न्यूज़ बोलने वाली औरतें हैं, बस चैनल्स में सिर्फ मर्द आते हैं न्यूज़ बोलने के लिए, औरत नहीं सुन पाती। लेकिन अगर अहम चीज़ है तो सिर्फ आवाज़ सुने आप, ज़रूरत के लिए आवाज़ सुन सकती हैं, जैसे आप तकरीर है, दीन की बातें सुन रहे हैं, औरतें मर्दों उलमा से सुन रहे हैं तो जायज़ है। पीस टीवी में भी मैंने पूछा था डॉक्टर आर के नूर साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूरत है, जिसे रिकॉर्डिंग भी जो हो रही है वीडियो, तो ये भी ज़रूरत के लिए। और नीयत में फ़र्क है कि आप किस नीयत से देख रहे हैं सामने वाले को। मैं दीन की बातें बता रहा हूँ, या कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती वगैरह आपको बातें बता रहे हैं दीन की, तो आप सिर्फ दीन की बातें सुनने की हद तक उनको देख रहे हैं, ये ज़रूरत है। क्योंकि देखने से इंसान एक दिलचस्पी लेता है, शौक़ होता है, सिर्फ आवाज़ सुनता है तो उतनी दिलचस्पी तवज्जो नहीं होती, तो तस्वीर पिक्चर देखने से तवज्जो बढ़ती है। तो इस नीयत से आप देखते हैं तो जायज़ है, लेकिन गलत नीयत से देखना जायज़ नहीं। तो जहाँ तक हो सके मर्द औरत को ना देखें, औरत मर्द को ना देखें, ज़रूरत के लिए आप आवाज़ सुन सकते हैं। न्यूज़ में आप जानते हैं न्यूज़ बोलने वाले बुरख़े में नहीं आते जी, या मर्द हजरात उतना ये नहीं करते, फितने का डर है, तो वहाँ सिर्फ आवाज़ सुने, मर्द भी सिर्फ आवाज़ सुने और औरतें आवाज़ सुने, ना देखें, क्योंकि देखना जायज़ नहीं है किसी भी सूरत में। अगर अचानक नज़र पड़ जाती है तो माफ़ है शरीयत में, अचानक कहीं भी आप चल रहे हैं रास्ते में या घर में, अचानक आपने टीवी ऑन कर दिया, लड़की सामने आ गई, आपने देख लिया पहली नज़र, जायज़ है। लेकिन बार बार देखना ये जायज़ नहीं है, मुआखदा होगा। अगर आज बहुत सारे फितने हैं, जहाँ तक हो सके हम इंटरनेट और टीवी से बचने की कोशिश करें। हिंदुस्तान में अक्सर जो चैनल्स हैं या जो भी हो रहा है पीस टीवी के अलावा, नऊज़ बिल्लाह, अक्सर में फहाशी हैं, फितने हैं, और अपने आप को ख़तरे में डालने का बायस है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करें, हमारी निगाहों की हिफाजत करने के अल्लाह ताला तौफीक इनायत फरमाएँ। जहाँ जहाँ फितने हैं, ज़ाहिर हो या बातिन हो, बहुत सारे फितने ऐसे हैं जिसमें हमें पता भी नहीं है कि हम फितनों में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करें। आमीन सुम्मा आमीन।